हम जा रहे हैं डाड़ देवी माता के मंदिर में, चलिए आपको भी ले चलते हैं। हम जा रहे हैं बाय रोड, और ये नया रोड बना है जो कि जा रहा है डाड़ देवी के वहीं पे। और जब से रोड बना है तब से पास के खेतों में प्लॉट बिकना शुरू हो चुके हैं, और इधर सामने नहर, और ये रोड पड़ता है रायपुरा से सीधा। और आपको इस रोड पर जगह जगह बोर्ड लगे मिल जाएंगे, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी कि कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं। चलिए मैं डाड़ देवी के मंदिर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। डाड़ देवी का मंदिर जो कि पड़ता है उमेदगंज जिला कोटा और जयपुर से 268 किलोमीटर दूर, और कोटा के हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर दूर। इस मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति लगी हुई है जो कि बैठी हुई है शेर पर, और इस मंदिर को 10वीं सदी में खेतून के तवर राजपूतों के राजाओं ने बनाया था, और उस समय कोटा पर राज श्री उम्मेद सिंह जी हड़ा कर रहे थे। और इस मंदिर के जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन है वो है डाड़ देवी स्टेशन, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नवरात्र में आओगे तो आपको यहाँ पर मेला लगा हुआ मिलेगा। उस मेले में से आप अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने लेके जा सकते हो। और अभी चल रहा है लॉकडाउन, इसलिए आपको मंदिर के शटर डाउन मिलेंगे। और ये हम आ चुके हैं मंदिर के सामने, जहाँ पर एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन। ये है इसका मेन गेट जो कि अभी बंद कर रखा है। और अभी बज चुके हैं 6 या फिर 7 बजे होती है यहाँ पर आरती, इसलिए पीछे का गेट खोला जाता है। हम उस गेट में से निकलकर अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर नवरात्र के टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ये इसका मंदिर, मंदिर में तो मैं जाता आता नहीं हूँ इसलिए बाहर से दिखा सकता हूँ। चलिए इस मंदिर को आगे से दिखा देता हूँ, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा आगे, और ये मैं आ चुका हूँ आगे। ये इसके कुंड, और ये आगे का सीन। यहाँ पर लेडीज एंड जेंट्स अलग अलग लाइन लगती है। और आप इस मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा फालतू टाइम हो तो। ये है डाड़ देवी के पीछे का जंगल, और इस जंगल के बारे में हम आपको क्या ही बताएं। यहाँ पर लोग नॉनवेज वाली रसोइयाँ ज्यादा करने आते हैं, डाड़ देवी के नाम पर बकरे काटे जाते हैं, और यहाँ पर लोग दारू भी डाड़ देवी के नाम से पीते हैं। और ये है हमारा धीरज जो कि लेके आया है चावल। वैसे तो यहाँ पर चल रही है रसोई, और ये लेके आया है दाल। Thank you.
और अब हम जा रहे हैं हमारे घर, और आप लोग कृपया इस रोड पर अकेले ना निकले रात में, क्योंकि आपको रोककर आपके सामान लूट ले जाएंगे।